जिसका लक्ष्य बड़ा होता है, जिसका लक्ष्य बड़ा होता है, टारगेट बड़ा होता है, उसे तकलीफों का एहसास नहीं होता। जिसका लक्ष्य बड़ा होता है उसे तकलीफों का एहसास नहीं होता, जिसे तकलीफों का एहसास होता है, आगे आप समझदार हैं, जिसे तकलीफों का एहसास होता है उसका लक्ष्य कभी बड़ा नहीं हो सकता। अब आप समझो कि सर इसने ये बोला तकलीफों का एहसास, ये नहीं बोला कि तकलीफें ही नहीं होती, होती हैं, एहसास नहीं होने देते, मतलब तकलीफ आई सह गए, पढ़ना पड़ेगा पढ़ लिया, नहीं समझ में आया दोबारा देखना पड़ेगा देख लिया, तकलीफ इन्होंने मानी ही कभी, ऐसे कभी किया नहीं, ओ यार अभी कौन देखेगा दोबारा, मुझसे तो नहीं हो रहा यार, बहुत लेंथी सवाल है, मैं क्या करूं यार, इतना समझ में। तो ये उस तकलीफ को आप महसूस कर रहे हो, ये एक दूसरा एटीट्यूड है जो एहसास करता है तकलीफ का, वरना पहला एटीट्यूड दोबारा देखना है सर, ओके सर वापस क्लासरूम एग्जांपल सॉल्व करने हैं, ओके कर लेंगे सर, क्या दिक्कत, ऐसा नहीं है कि दोनों में बड़ा ही, पहले वाले ने कुछ मतलब ऐसी कोई दवाई खा रखी है उसको तकलीफ नहीं होती, महसूस ही नहीं कर, ध्यान रखिएगा प्लीज, जिसका लक्ष्य बड़ा होता है उसे तकलीफों का एहसास कभी नहीं होता, और जिसे तकलीफों का ज्यादा एहसास होता है उसका लक्ष्य बड़ा नहीं होता, ठीक है ना, चलिए।